गाइस ट्रेजर हंटर्स। सो गाइस, हमने अपने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था कि प्लानिंग हमें क्यों ज़रूरी है, व्हाई वी नीड प्लानिंग, राइट। हमने उसकी इम्पोर्टेंस देखा था, क्यों ज़रूरी ये समझ लिया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें ज़रूरी है उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता, नुकसान होता है। तो यहाँ पर प्लानिंग का भी कुछ नुकसान है, कुछ इसकी कमियाँ हैं। क्योंकि अब देखो यार, हर चीज़ में कमी होती है, हम चाहे इंसान की बात कर लें चाहे किसी और चीज़ की, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। ऐसी ही कमी है हमारी प्लानिंग में। तो प्लानिंग में जो कमियां हैं उसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, दो जगह पर हमने इसको डिवाइड कर लिया। पहला है इंटरनल लिमिटेशंस, जो हमारी कंपनी है उसके अंदर ही जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कुछ कमियाँ होंगी, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस होंगी। और दूसरा है एक्सटर्नल लिमिटेशंस। एक्सटर्नल लिमिटेशंस मीन्स वो लिमिटेशन जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो लिमिटेशंस होती हैं एक्सटर्नल लिमिटेशंस। इंटरनल लिमिटेशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और सबसे पहले हम इंटरनल लिमिटेशंस को देख लेते हैं। तो जैसे कि पहला है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब क्या, प्लानिंग से रिजिड हो जाते हैं। अब मान लो कि कोई आपने प्लान बनाया, इतने सारे पैसे खर्च किए, इतने सारे आपने टाइम खर्च किया, फिर आपका कंपनी का कोई प्लान बना है, तो आप क्या है कि अब आप उसमें कोई चेंज करना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं आप चेंज कर सकते हैं, आप उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इच्छा ही नहीं होगी कि हम उसमें कोई चेंज करें, क्योंकि उसमें इतना टाइम कंज्यूम हो चुका है, इतने पैसे लग चुके हैं, अब आप नहीं चाहते हैं कि हम इसमें कोई चेंज करें। अच्छा खासा प्लान बना हुआ है, इसी को फॉलो करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, रिजिडिटी आ जा रही है। नेक्स्ट इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब जैसे प्लान अगर आप बना रहे हो, अब हर टाइम आपका इन्वायरमेंट चेंज होता रहे, ठीक है, अभी आपने प्लान बना कर रखा, आपने 10 दिनों के, मान लो इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हमने 10 दिनों के अपने स्टडी प्लान बनाया है कि हम इस टाइम तक पढ़ेंगे, ठीक है, अब सपोज करो कि इसमें चेंज आते रहें, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंज आ रहे हैं, कभी कोई काम दे रहा है, कभी कोई फंक्शन आ जा रहा है, कभी आप बीमार हो जा रहा है, कभी गर्मी लग रही है, कभी धूप आ जा रही है, कभी ठंड लग रही है, तो क्या हो रहा है कि आपका जो प्लान है वो आप फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो आपने 10 दिन का प्लान बनाया, उसमें इतनी सारी चेंजेस आ गए जिसकी वजह से आप प्लान फॉलो नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कंपनी में भी होता है कि प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट मीन्स जो इन्वायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है उसमें काम नहीं कर पाता है, प्लानिंग हमारी सब धरी की धरी रह जाती है। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब जब प्लान पहले से बना बनाया है, आपको पहले से पता है कि आपको कैसे करना है, कौन कर रहा है, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सब पहले से पता है, ठीक है, अब आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगा सकते, पहले से जो प्री डिसाइडेड है उसी को फॉलो करते जा रहे हैं, आंखें बंद करके बस वही काम करते जा रहे हैं जो बताया गया है। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी जो अंदर की क्रिएटिविटी है वो ख़त्म होती जा रही है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। फ्री में नहीं प्लानिंग हो जाती है, प्लानिंग में लगता है पैसा, तो जो पैसा लग रहा है वो कैसे लगेगा, जैसे कि हमने क्या करा, प्लानिंग करवानी है तो टॉप जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हम हायर करते हैं, वो कहते हैं बहुत बड़ी फीस लगेगी, हम कहते हैं ठीक है भैया फीस ले लो लेकिन अच्छा प्लान बना दो, तो क्या है कि उससे जो बड़ी मोटी मोटी जो फीस हम दे रहे हैं उसी को यहाँ बोला है ह्यूज कॉस्ट। फिर है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऐसा नहीं हमने आज बोला हमें एक प्लान चाहिए तो प्रोफेशनल जो भी हमने हायर किया है, फिर हम खुद भी प्लान कर रहे हैं तो टाइम तो लगता है ना, ऐसा नहीं हमने कहा कि प्लान चाहिए तो बस 5 मिनट में प्लान रेडी, ऐसा नहीं होता है, 14 आइडिया सर्च ही नहीं कर सकते हम यहाँ पर, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम है, टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा, सब इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, सब एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर प्लानिंग को कर सकते हैं। तो इससे क्या रहा है, काफ़ी टाइम हमारा जा रहा है। नेक्स्ट इज प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। अब आपने प्लानिंग कर ली, सपोज करो आपने प्लानिंग कर ली 1 महीने की, कैसे पढ़ना सब कुछ बना लिया, कितने घंटे पढ़ेंगे, कौन सी बुक पढ़ेंगे, सब कुछ बना लिया, लेकिन क्या ये आपको गारंटी मिल चुकी है कि अब आपने जो प्लान बना लिया है अब आप टॉप कर ही जाओगे? प्लानिंग है क्या? प्लानिंग तो है, क्या गारंटी है कि आप टॉप करोगे? नहीं गारंटी है ना, प्लानिंग तो हम कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कहीं लिखकर मिल गया हमें कि नहीं भाई अब आपने प्लानिंग कर ली तो आप टॉपर हो, समझ लो टॉपर बन गए, ऐसा नहीं होता है, राइट। ऐसे ही बिजनेस में भी प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी, हो सकता है आपने जो प्लानिंग की वो फेल भी हो जाए, आपके बिजनेस बंद भी हो सकता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्यूरेसी। कोई एक्यूरेट हम देखो इसका मतलब क्या, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है क्या कल क्या होने वाला है? नहीं पता है, ठीक है, तो हम हमारा आने वाला कल क्या, हम ये भी नहीं बता सकते कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, नहीं बता सकते, राइट, क्योंकि दिस इज़ मोर डायनेमिक, फ्यूचर तो हम अनप्रिडिक्टेबल है, हम नहीं बता सकते उसके बारे में कुछ भी, और जब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है उसके बारे में हम अगर कुछ प्लान करके चल रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो इतना एक्यूरेट हो सकता है कि हमने अभी सोचा हो कि हम
जो है पढ़ाई करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने बुक्स खोली जब तक देखा कि गेस्ट आ गए। अब क्या हम ऐसे कहेंगे कि आप बैठो हम तो पढ़ने चले, हमारे तो प्लानिंग है पढ़ने की, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, थोड़ी हम बैठेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, उनको चाय नाश्ता कॉफ़ी जो भी वो चाहिए उनको वो सब देंगे, फिर क्या होगा उनका, मतलब बैठ के आराम से होस्ट करेंगे ना उनको अच्छे से। तो ऐसे ही क्या है, प्लानिंग एक्यूरेट नहीं है, हम कुछ भी एक्यूरेसी से नहीं बता सकते कि कल क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो प्लानिंग हमारी इनएक्यूरेट है। ये तो होगा कुछ इंटरनल लिमिटेशंस, ठीक है। अब एक्सटर्नली कुछ भी लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं हमारी प्लानिंग की, जैसे कि नेचुरल कैलामिटी आ गई, हम नहीं बता सकते कि अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, हो सकता है कि हम जहाँ पर कमरे में बैठकर आराम से लैपी या फिर फ़ोन खोलकर आराम से लेक्चर देख रहे हैं, हम नहीं बता सकते कि हो सकता है कि अभी यहाँ पर भूकंप आ जाए, हो सकता है लैंडस्लाइड हो जाए, हो कुछ भी हो सकता है, राइट। नेचुरल कैलामिटी का हम कुछ नहीं बता सकते हैं, हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी, बस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, अब इतनी जो टेक्नोलॉजीज है उसकी हेल्प से हम ये तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि होगी, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि हम प्रिडिक्ट नहीं पाते एक्यूरेटली। कई बार हम कहते हैं बारिश नहीं हुई, देखते हैं थोड़ी देर में बारिश हो रही है, कई बार हम कहते हैं कि दो दिन के अंदर बारिश होगी, 10 दिन रहते बारिश नहीं होती। ऐसे ही जो नेचुरल कैलेमिटी हैं वो हम नहीं बता सकते कब कौन सी क्या चीज़ हो जाए, राइट। बैठे बैठे 2 मिनट में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज चेंज इन कॉम्पिटिटर की पॉलिसी, हमारा कॉम्पिटिटर के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। वो कब कौन सी पॉलिसी चेंज कर ले हमें नहीं पता है। तो इससे भी अगर उसने कोई पॉलिसी चेंज करी है, तो अगर मान लो उसने क्या करा है, अपने जो प्रोडक्ट है वो 2 रुपये सस्ता कर दिया, अब क्या होगा, वो सस्ता हो गया तो जितने लोग खरीद रहे हैं वो सब उसी को खरीदेंगे, हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी सेल ख़त्म। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट की भी सारी प्राइस वाइज सब चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है कि उसकी वजह से हम पर भी असर हो रहा है। फिर है, अगर वो बार बार चेंज करता जाएगा तो क्या हम अपने बार बार प्लानिंग को चेंज करेंगे, है ना, यहाँ पर हमारी प्लानिंग जो है फेल हो सकती है। नेक्स्ट इज अगर हमारा जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट बदल गया, उसकी फैशन बदल गई है, तब भी हमारी प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा, प्लानिंग को काम नहीं आएगी। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई तो जो पुरानी प्लानिंग कर रखी है वो सब रखी की रखी रह जाएगी, नई प्लानिंग करो। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक या फिर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स की पॉलिसी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पॉलिसी है, कोई भी आपके रेगुलेशन से रिलेटेड पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो चेंज कर दी, तो हमें अपनी जो भी प्लानिंग हमने करी है वो भी बदलनी पड़ेगी। सो गाइस यहाँ पर हमने देखे हैं कि जो प्लानिंग है उसकी कुछ कमियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं वो हम डिटेल में देख चुके हैं। इसी के साथ में हमने ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम प्लानिंग की प्रोसेस को समझेंगे। सो गाइस अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बट ये तो आप कर सकते हैं लेकिन आपको करना चाहिए, करना है, वो क्या है, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करो जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियोस को आराम से देख सको बिना किसी टेंशन के। बार बार यार वो सर्च करो, इससे अच्छा है सब्सक्राइब कर लो, जितने भी नोटिफिकेशन नई जो वीडियो आती रहेंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कुछ सर्च नहीं करना, सीधे क्लिक करो और देख लो, है ना, अच्छा है ना, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।